अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्त से फ्रोज़न पराठों की रेसिपी, जिस तरह से आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा कि रमज़ान आ रहा है तो सहरी में अब आप डेली पराठे खा सकते हैं और आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही 1 महीने के पराठे बना के फ्रीज करके रख सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरी ट्रिक्स को, टिप्स को फॉलो करें एंड वेलकम टू माई नवी वीडियो। आधा किलो के करीब हम इसमें आटा शामिल करेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ सोतिया में जो है वो सुपर फाइन आटा नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से मैं ये चक्की वाला फ्रेश आटा यूज करती हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें बीच में मैदा शामिल किया है। आपकी मर्जी, आप वाइट आटा शामिल करें या फिर ये चक्की का आटा शामिल करें, मैदा डालें या ना डालें, लेकिन मैदा डालने से ये कि ज़रा टेस्ट अच्छा आएगा। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें जो है वो साल्ट शामिल किया है, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। एंड 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शुगर ऐड की है। शुगर से ये है कि मीठा नहीं होता, लेकिन पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे, तो इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। और इसमें जाएगा 2-3 टेबलस्पून ऑयल का। इसको अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। मैं इसके नीचे कुछ चीज रख लेती हूँ पहले, ताकि ये स्लिप ना हो। इसको हम गूंदेंगे दूध के साथ। तो 1 ग्लास दूध का हमने लिया है, जिसको आप अच्छे से पहले बॉईल कर लें, और बॉईल करके फिर आप उसको ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पे, थोड़ा थोड़ा करके गूंदें। दूध से बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं और उनका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हम सॉफ्ट, याद रहे दूध को अच्छी तरह से पहले बॉईल करना है और उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है और फिर आपने इसको गूंदना है। ये आटे को इस तरह करके हम 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देते हैं और उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको गूंदेंगे। ये देखें जी, 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और आटा हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो इसको साइड पे कर लेते हैं। ये थोड़ा सा खुश्का हमने साइड पे डाल लिया इसके, और ये अब हम इसके मीडियम साइज के पेड़े बना के रख लेते हैं, गोल गोल से मीडियम साइज के। ये पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इनको हम एक एक करके बेल लेते हैं। साइड पे करते हैं इस, थोड़ा सा खुश्का लगा के तो हम इसको बेल लेते हैं। इस टाइम पे शेप बेशक ख़राब हो, कोई बात नहीं, जैसी मर्जी ये शेप आ जाए, बस अभी आपने इस तरह करना है कि इसको बहुत पतला बेल लेना है, बहुत पतला आपने इसको करना है। अभी इसकी फिर भी अभी मोटा है। ये आपने इतना पतला, देखें शेप की कोई बात नहीं, शेप आपकी ये देखें किस तरह से टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी शेप है, तो कोई बात नहीं। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएं या घी लगाएं, कोई भी चीज़ आप लगा, ऑयल लगा के अब ये फिंगर से आपने, जैसा फिंगर वाइपर का काम करता है ना,
सेम आपने वैसे ही इसको ऐसे सब जगहों पे इसको फैला देना है। घी लगाएं तो वो तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो मैं ऑयल ही लगाऊंगी। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा जो है वो खुश्का वो स्प्रिंकल कर देंगे। अब मैं आपको इसका फोल्डिंग टेक्निक बताती हूँ। ये इस तरह से आप इसको करेंगे, बेशक फटता है या कोई भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से इसकी बना सकते हैं लेयर्स। मैं एक मिनट दूसरी साइड से करती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक है, ऐसे उठा के आपने ऐसे करना है, ऐसे कर लें ऐसे, और पतली पतली लेयर्स करनी है। ठीक है, जी ठीक हो गया, ये आप करेंगे और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ऐसे। ये थोड़ा सा स्ट्रेच किया आपने और इसको अंदर की तरफ आप ऐसे फोल्ड कर देंगे इस, तो आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त जो है वो लेयर्स बनती हैं इसकी। और इसकी ये जो ये साइड है इसको आप इसके इस तरह अंदर जो है वो डाल सकते हैं ऐसे, ये देखें। इसके आप ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगा दें। इससे ये होता है कि थोड़ी देर रेस्ट देने से लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार होती हैं, बन जाती हैं। तो इसी तरह मैं आपके साथ अब दूसरा पराठा शेयर करूंगी, उस पर भी मैं खुश्का लगा के और इसको भी मैं बेल लेती हूँ। ये देखें जी, पराठा हमने दूसरा भी बेल लिया है और उसे के पतली पतली स्ट्रिप्स में इसको काट लेंगे। ये पतला पतला हम इसमें काट लेते हैं। और इसको अब हम यहां से मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से इसके ऊपर ये जाएगा और ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे पतला पतला। इसको हमने कर लिया है, अब इसको भी हम थोड़ा थोड़ा सा खींच लेते हैं। और वैसे ही हम इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ करके। ये हम इसको भी ऐसे ही, इसका जो एंड है उसको हम नीचे इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखें, ये दूसरा भी हमारा पराठा रेडी है। इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे और इसको भी साइड पे कर लेते हैं। अब हम एक कट लगाएंगे इसका, ठीक है, और अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हमने फोल्ड करना है। ये हम थोड़ा थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे, हो रहा है। और फिर ऐसे करके हम इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। और इसके ऊपर भी हम ऑयल जो है वो ऊपर लगा देंगे। इसका हम सेंटर में होल करेंगे, ठीक है, और ऐसे पकड़ के हम इसको इसके
ऐसे कॉर्नर्स में लेके आएंगे, ठीक है। इसी तरह सब पूरी हम इसको ऐसे लेके आएंगे, फिर सारा हम इसको इस तरह से कर लेंगे और इसको इधर से हम काटेंगे और इसको छोटा छोटा सा हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। आपने छोटे छोटे फोल्ड करना है ताकि उसमें यह है कि सब पराठों में जितने पराठे आप बनाएं उस सबको आप छोटा छोटा सा करके फोल्ड करेंगे, उससे यह है कि जो आपकी लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी बन के। और ये देखें, इसको ऊपर से प्रेस किया और ये हमारा ये पेड़ा भी तैयार है। इस पे भी हम जो है ऊपर ऑयल को लगा दें। आई थिंक ये ज़्यादातर लोग जो है वो यही तरीका वो इस्तेमाल करते हैं अपने पराठे बनाने में। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से स्टाइल से जो है वो पराठा बनाते हैं। इन पांच तरीकों में से आप कौन से तरीके से पराठा बनाते हैं, ये आपने देख लिया है। ये मैंने बहुत पतली पतली लेयर लेके और मैंने इसको इस तरह लंबा कर लिया है। तो इसको भी हम बस ऐसे ही जो है वो फोल्ड कर लेते हैं। खींच के और पतला पतला हम इसको भी बेल लेते हैं। तो ये हमारा पांचवा पेड़ा भी जो है वो रेडी है। इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेते हैं। हमारे पांचों स्टाइल के जो पेड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको नीचे ही रख लेते हैं। तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप कौन से स्टाइल से जो है वो पेड़े बनाते हैं। तो इनको मैं अभी 5 मिनट्स के लिए ऊपर कवर करके दस्तरखान जो है वो इसके ऊपर लगा के मैं इसको कवर करके रख लेती हूँ और फिर इसको इसको जो सेविंग प्रोसेस है इसका, इसको जो हम फ्रीज करेंगे तो वो आपको बताऊंगी। तो 5 मिनट्स गुजर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करते हैं और अपना जो पेड़ा है इसको थोड़ा सा हम रोटी में आटे में सॉरी करके और हल्का हल्के हल्के हाथों से हम इसको ऐसे इसके कॉर्नर्स को वो प्रेस करेंगे बहुत हल्के हाथों से, ठीक है। ये और बहुत हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। थोड़ी देर के लिए जब आप आटे को रेस्ट देते हैं ना पेड़े को, तो बहुत अच्छे से जो है वो उसकी लेयर सेट हो जाती हैं। अब बेकिंग पेपर पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा हम लगाएंगे और ये सब जगह पे हम इसको, इससे ये है कि ये चिपकेगा नहीं, जो पराठा आप बनाएंगे वो चिपकेगा नहीं। तो ये हम अपने रोटी जो है वो इसके ऊपर ऐसे वो डाल देते हैं। आप इसकी जगह शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर हम ब्रश से जो है वो हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे और इसके ऊपर हम दूसरा ये ऐसे दूसरा बेकिंग पेपर हम इस पे रख लेंगे। आप इसकी जगह शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया, अब इसी तरह बाकी रोटियां हम बेल लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारे सारे पराठे इस तरह से रेडी हो चुके हैं। तो हम इनको अब फ्रीज़र में रखते हैं, इसके नीचे हम प्लेट रखेंगे और इसको हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक जो है वो बना के भी दिखाऊंगी। ये देखें जी, तवा हमारा बिल्कुल गर्म है।
तो अब हम इस पे अपना जो पराठा है उसको डाल लेते हैं। और एक गलती आपने नहीं करनी है जो कि अक्सर लोग करते हैं, कि आपने इसको निकाल के मेल्ट होने के लिए नहीं रखना। तवा जो है वो सही गर्म होना चाहिए और आपने फौरन से इसको निकाल के और पराठा बनाना है। इससे आपका पराठा बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। तो इसको हम फुल आंच पे जो है वो बना लेंगे। ऐसे आप इसको घुमाते रहें, उससे ये है कि पराठे की सब साइडों पे सेक जो है वो लगेगा। और ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा जो है वो बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से दूसरा पराठा हम जो है वो इस पे डालते हैं। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।